वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जो हमने इसका अनबॉक्सिंग की थी माइग्लैम का टोटल मेकओवर एफएफ क्रीम, इस पैलेट को यूज कैसे करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप इसको ओपन करें तो इसमें तीन चीजें आपको एक साथ दिखाई देंगी। ऑरेंज कलर का ये दिखाई देगा कंसीलर टाइप का, ये एक कंसीलर दिखाई देगा, ये एक प्रोडक्ट दिखाई देगा जिसको हम फाउंडेशन क्रीम फाउंडेशन या पैनकेक टाइप का है ये। तो तीनों का ही टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पैलेट को यूज़ करने से पहले आपको पूरा सीटीएम कर लेना पड़ेगा, यानी कि अच्छे से फेस क्लीन मॉइस्चराइज कर लेना पड़ेगा, कहीं भी बम्पी ऐसा ना हो, इसलिए अच्छे से स्क्रबिंग भी कर लीजिएगा। फिर सीरम और मॉइस्चराइजर अपनी पसंद का अच्छे से लगा लीजिएगा, मॉइस्चराइजर को बहुत अच्छे से लगाइएगा और ब्लेंड कर लीजिएगा जिससे कि अंदर तक स्मूथनेस आ जाए स्किन पे, उसके बाद आप इसको यूज करिएगा। तो मैंने जैसे काजल और लिपस्टिक लगा रखी है, मैं आपको इससे बेस बनाना दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो लेती हूँ वो ऑरेंज कलर कैरेक्टर लेती हूँ, चाहे ब्रश से लीजिए आप, चाहे आप हाथ से लीजिए। तो मैं ऐसे करके हाथ से लेती हूँ, इसी का मैं जो मिरर है वो यूज करती हूँ। मैं आपको अब दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको ऑरेंज कैरेक्टर लेना है और आपके अगर डार्क सर्कल्स हैं कहीं भी पैचेस है, ये देखिए जैसे मैंने लगाया है ये इस तरह से, और बहुत अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जा रहा है, ये नहीं है कि थिक है तो ब्लेंड में परेशानी आएगी। ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये और माइग्लैम के जो सुपर सीरम या लिफ्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत काबिल तारीफ हैं। ये देखिए इस तरह से अंडर आई को आप और अराउंड द माउथ जहां पे हल्की सी ब्लैकनेस दिखे, ये जो हम लोग के अराउंड द माउथ ब्लैकनेस होता है इसका भी एक घरेलू इलाज मैं बहुत तगड़ा लाने वाली हूं जो बिल्कुल गायब कर देता है। अब आप देख सकते हैं, अब मैंने जैसे इसको लगा लिया है, अब मुझे हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। हल्के हाथों से ब्लेंड करने के लिए जो मैं लूंगी अपने ब्रश पे ये इस तरह से सेटिंग स्प्रे या फिर कोई भी मिस्ट, फेस मिस्ट लीजिएगा, बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके बाद जो है इसको मैं कर लूंगी ब्लेंड। अब आप पूछेंगे फेस मिस्ट क्यों डाला, थोड़ा सा थिक है इसलिए, और लॉन्ग लास्ट भी करेगा। आप सेटिंग स्प्रे या वो भी ले सकते हैं, सेटिंग स्प्रे भी ले सकते हैं, देख लीजिए। अब मैंने इसको अच्छे से जहां जहां मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज किया था वहां पे ब्लेंड कर लिया। इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब मुझे अगर इसके ऊपर मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगाती हूँ तो जो फाउंडेशन जहां पे मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज नहीं किया है वहां पे तो अपना रंग देगा और दूसरी जगह वो ऑरेंजिश से अंदर से शेड आएगा, क्योंकि मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया हुआ है। अब वो वहां पे अजीब सा लगेगा, कलर डिस्कलरेशन होगा और साथ में थोड़ी देर बाद एक घंटा भी नहीं बीतेगा वो आपका पूरा मेकअप ग्रेश हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि अंदर आपने ऑरेंज लगा रखा है। कलर का भी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है अंदर से। इसके बाद मैं इसको न्यूट्रलाइज करूंगी, जहां पे मैंने लगाया था वहां पे मैं लूंगी इसका कंसीलर वाला शेड जो कि थोड़ा सा हाइलाइटिंग शेड भी है, इसको लूंगी और इसको जो है मैं जहां पे मैंने लगाया था सेम वहां पे ही उसी ऑरेंज कलर करेक्टर के ऊपर मैं प्लेस कर लूंगी। काफी थिक है इसलिए आपको अपना मतलब सीटीएम यानी कि क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छे से यूज कर लेना है इसको यूज करने से पहले। इस तरह से मैं हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूंगी, जोर से ब्लेंड मत करिएगा वरना अपनी जगह से प्रोडक्ट हिल जाएगा। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो है अब आप देख सकते हैं मैंने ऑरेंज करेक्टर को न्यूट्रलाइज कर लिया है। अगर आपने अच्छे से देखा हो तो अंडर आई अच्छे से करिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और यू लेके
जिनको फिंगर से ब्लेंड करना आसान लगता है वो फिंगर से ब्लेंड कर ले। अब बारी आती है फाउंडेशन की। मैंने करेक्टर कर लिया, कंसीलर कर लिया, अब बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन भी इसका स्टिक से भी थिक है, यानी कि काफी पैनकेक आप इसको समझ सकते हैं। इसको मैं लेती हूं, पहले तो मैं डॉट डॉट अपने पूरे फेस पे लगा लूं। ये देख सकते हैं, जहां मैंने कंसीलर और करेक्टर लगाया था वहां पे भी उसको भी मैं इसी फाउंडेशन से कवर कर दूंगी। अगर आप रात में पार्टी में जा रहे हैं या किसी शादी ब्याह पार्टी में दिन में भी जा रहे हैं तब आप इस पैलेट को यूज करिए। डेली के पैलेट में थोड़ा बहुत ये हैवी हो जाएगा डेली के मेकअप में। अब मैंने इसको, इसका एप्रोप्रिएट क्वांटिटी जो है वो अपने फेस पे लगा लिया है। इसी को मैं अपने नेक पे भी कवर कर लेती हूँ। छोड़ना नहीं है, फौरन आपको इसको ब्लेंड करना है। घिसके नहीं करना, बहुत हल्के हाथों से वाइब्रेशन मोड पे आपको करना है। इस तरह से घिसेंगे तो उस जगह से प्रोडक्ट हट जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये आपका हो गया। अब ये आपको क्रीज भी नहीं करता है, मेरे ख्याल से मेरा क्रीज नहीं किया है तो आप चेक कर लीजिएगा मेरा, क्योंकि ये एकदम फिक्स हो गया। ये देखिए, अगर आपने मिस या सेटिंग पाउडर, सेटिंग स्प्रे डाल के आपने ब्लेंड किया है ब्रश पे तो कंसीलर और जो कलर करेक्टर है वो फिक्स हो गया है, वो कहीं से भी हिलने वाला नहीं है। तो सर्दियों में कोशिश करिएगा कि आप पाउडर सेटिंग अगर इसके ऊपर ना करना चाहे तो बिल्कुल ना करें। आप खुद देख सकते हैं, मैंने आपके सामने इससे बेस बना के दिखा दिया है। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, थोड़ा सा मुझे इसमें यह लगा है कि बहुत ज्यादा थिक है, तो आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करनी है अपने फेस की। स्क्रब करने के बाद अच्छे से सीरम लगा के मॉइस्चराइज कर लीजिएगा। सीरम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगाइएगा, इसका कोई वो नहीं है। मॉइस्चराइज कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आप इसको कलर करेक्टर और फिर कंसीलर फिर इसके फाउंडेशन को जो है वो ब्लेंड करिएगा लगा के। आपके सामने है, अब ये फेस जो है मेरा पूरा फिक्स है, ये कहीं से कुछ भी नहीं होना है। 7-8 घंटे मेरा मेकअप कहीं नहीं जाना है। मुझे पैनकेक, पैन स्टिक और स्टिक फाउंडेशन या इस तरह का फाउंडेशन जो थिक होता है वो काफी पसंद आता है, क्योंकि वो लॉन्ग स्टे करता है। लिक्विडी फाउंडेशन के मुकाबले ये फाउंडेशन ज्यादा स्टे करते हैं। लिक्विडी तो यह होता है कि आपने सेटिंग स्प्रे डाला भी फिर भी 3-4 घंटे में एक बार टचअप करने की जरूरत पड़ ही जाती है, लेकिन अगर स्टिक फाउंडेशन लगाया तो टचअप की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ऑक्सीडाइज भी कमी होता है अगर आपने सीटीएम बहुत अच्छे से कर रखा हो, क्योंकि पोर्स जो होते हैं हम लोग के वो अगर ब्लॉक होते हैं ना या उसमें सीबम ऑयल होता है तो वही बाद में निकलता है और वो ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए बहुत अच्छे से जो है क्लीनिंग कर लीजिएगा, मॉइस्चराइजिंग कर लीजिएगा, उसके बाद प्राइमर लगा के अगर आप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इससे पहले मैंने प्राइमर नहीं लगाया था, आपको प्राइमर लगाना ही लगाना है। ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एक बार में, देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको मेरा ये मैग्लैम का प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। जिन्होंने यूज़ किया वो उसमें कमेंट सेक्शन में बता दें, जिन्होंने यूज़ नहीं किया उनको मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसलिए मेरा खुद की चॉइस, खुद की ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में एक से ज़्यादा खूब सारे कमेंट कर दीजिएगा। बनर्जी मंत्रा से जो आ रहे हैं वो तो बिल्कुल बहुत सारा हार्ट दे दीजिएगा मुझे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्रिप्शन की मुझे ज़रूरत है और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल।